सो हे गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन शुक्ला और आप देख रहे हैं ए टू जेड प्रैक्टिकल्स। फ्रेंड्स, आज जो एक्सपेरिमेंट है वो 10th का है और बेसिकली 10th का एक्सपेरिमेंट नंबर 12 है टू स्टडी द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट 12 में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आप अगर इथेनॉल का ऑक्सीडेशन देखना चाहते हो कि ऑक्सीडेशन होता है क्या, तो ऑक्सीडेशन बेसिकली मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ऑक्सीडेशन में क्या होता है पता है, वो खुद को रिड्यूस करता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। तो हम देखेंगे कि क्या ऑक्सीडाइज सही में होता है, तो हम कुछ इथेनॉल के कंपाउंड लेंगे और उसका ऑक्सीडेशन करेंगे। तो सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4। तो प्रैक्टिकल के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, एक चीज मैं बता दूं कि इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे अपने मतलब हैंडबुक्स वगैरह को भर सकते हैं और उन दोनों के लिए ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं, ठीक है। दोनों मीडियम वाले बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। सो चलो मैं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता हूँ। फिलहाल ये मेरे पास है इथेनॉल, ठीक है, ये मेरे पास है फ्रेंड्स इथेनॉल, और इथेनॉल के ऊपर ही ना हमें ऑक्सीडेशन देखना है। तो इथेनॉल में आपको क्या डालना है, सोडियम कार्बोनेट डालना है और देखूंगा कि क्या होता है। इसको मैंने मिक्स कर दिया इसमें, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू वार्म दिस सोल्यूशन एंड आफ्टर वार्म करने के बाद मुझे ना ये KMnO4 उसमें ऐड करना है। आप देख रहे होंगे ये KMnO4 मुझे क्या करना है उसमें ऐड करना। फ्रेंड्स, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वार्म कर रहा हूँ हल्का सा। ये इथेनॉल काफ़ी डेंजर होता है, इसलिए आप इसको ज़्यादा हीट के कांटेक्ट में ना लाएं, ठीक है। फाइनली ये वार्म हो चुका है। आई एम गोइंग टू ऐड हियर पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट आप देख रहे हो कलर का, ये पर्पल कलर का, लेकिन जैसे इसमें ऐड करूंगा देखते क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं पोटेशियम पर मैग्नेट इसमें ऐड कर, देखिए ये कलर डिसअपियर हो गया, मतलब ये ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है। देखिए ये, देखिए ये पोटेशियम पर मैग्नेट गया और ये डिसअपियर आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे जूम भी कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए पूरा पोटेशियम पर मैग्नेट का जो पिंक कलर है वो क्या हो जा रहा है, डिसअपियर हो जा रहा है। फ्रेंड, डिसअपियर हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है और ये जो इथेनॉल है ना, ये जो इथेनॉल है ये इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो काफी इजी रिएक्शन का मतलब हो रहा है कि यहाँ पे एसिडिटी जनरेट हो रही है, मतलब ये कार्बोऑक्सिलिक एसिड बनकर यहाँ पे रेडी हो रहा है। तो इथेनॉल का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा, कार्बोऑक्सिलिक एसिड। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले मेरे बाजू में कुछ चीजें प्रिंट हो रही है, वो चीजें फटाफट देखिए और आप उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपने ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल देखा, आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। आपने देखा कैसे कलर डिसअपियर हो जाता है पिंक कलर ऑफ लाइक ये KMnO4 का, तो उसी से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो चुका है किसका, अल्कोहल का। और फ्रेंड्स, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है ना, तो आप आगे चल के पढ़ोगे कि इससे अल्डिहाइड बनता है और अल्डिहाइड से कार्बोऑक्सिलिक एसिड। तो अल्डिहाइड पे कभी स्टॉप नहीं होता, ये अल्डिहाइड को तुरंत कार्बोऑक्सिलिक एसिड बना देता है। तो इससे हमें पता चल जाता है जैसे कलर डिसअपियर होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब ए टू जेड प्रैक्टिकल। थैंक यू।